वेल हेलो एंड वेलकम बैक, वी होप यू आर डूइंग वेल। सो अभी हम निकले हैं क्रूज कंट्रोल टेस्ट करने के लिए, तो ZAZ क्रूज कंट्रोल जो हमने लगाया है। वी होप आपने सेटअप वीडियो देख लिया होगा, अगर सेटअप वीडियो नहीं देखा तो वो पहले जाके देखो, और अनबॉक्सिंग का भी वीडियो डाला है वो भी जाके देखना। तो अभी हम एक्सप्रेस हाईवे पे जा रहे हैं सो दैट वी गेट लेस ट्रैफिक और अच्छे से इसको टेस्ट कर सके। तो लेट्स कंटिन्यू एंड वी विल शो यू ऑल द फीचर्स ऑफ द क्रूज कंट्रोल। Okay, so before we start this vlog, so we would like to thank Mr. Parth and Dr. Naidu for making this beautiful tech. EV community के लिए बहुत ज़्यादा help हो जाता है ये cruise control वगैरह, so we thank you for making this beautiful cruise control. So अभी cruise control on करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको dial है, यहाँ पे blue light आता है जब भी आप cruise control on करते हो। तो अभी मेरा पैर accelerator पे है, तो अभी इसको on करते हैं। ये देखो on हो गया और पैर मैंने निकाल दिया, और आपका अभी यहाँ पे पैर निकल दिया है और आपका स्पीड लॉक्ड है वहां पे। ओके, सो दूसरा चीज हम बताना चाहेंगे, अभी देखो ये अपहिल जा रहा है, तो अपहिल में थोड़ा सा आपको स्लो हो जाएगा गाड़ी। तो ये जो क्रूज कंट्रोल है इस पे ऊपर डायल दिया हुआ है, उसको रोटेट करोगे तो स्पीड आपका बढ़ना चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखो रोटेट करोगे स्पीड बढ़ना चालू हो जाएगा, स्पीड बढ़ गया। आपको स्पीड कम भी करना है वो भी आप क्रूज कंट्रोल से कर सकते हो। यहाँ पे देखो स्पीड कम कर रहा हूँ मैं, और स्पीड यहाँ से बढ़ा सकते हो। ओवरटेकिंग करना है ओवरटेकिंग भी कर सकते हो, जैसे ही आप ओवरटेकिंग खत्म करोगे करना वैसे ही वो क्रूज कंट्रोल रिज्यूम हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर स्लोप है तो वो स्पीड बढ़ाता जाएगा, तो उसको कम करने के लिए आपको यहाँ से डायल से आपको कम करना है। तो जैसे ही आप पीछे घुमाओगे तो स्पीड कम होता जाएगा, आगे घुमाओगे तो स्पीड ज्यादा होगा। अगर ज्यादा अपहिल भी है तो वो स्पीड नीचे गिराता जाएगा, तो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से, या तो फिर एक्सीलेटर देके। जैसे अभी आप देख सकते हो कि लाइट बंद हो गया, यहाँ पे लाइट बंद हो गया, इट मीन्स मैंने एक्सीलेटर दिया हुआ है, और जैसे मैं एक्सीलेटर छोड़ूंगा वो फिर से रिज्यूम हो जाएगा। यहाँ पे लाइट आ गया और फिर से उसने 60 के इस पे रिज्यूम कर दिया फिर से। राइट, तो अभी स्लोप है, 40 पे लॉक किया था, स्लोप है तो बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा रहा है। तो अभी अगर आपको स्पीड कंट्रोल करना है यहाँ, तो आप ब्रेक दबाओ, डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्रूज, और या तो फिर ये डायल से आप कम कर सकते हो उसको। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 70 टच कर लिया है उसने, तो उसको इससे डायल से ये कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, डायल से ही कम कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि स्पीड कम हो गया है अभी। तो इट्स माय टर्न टू ट्राई दिस। तो मोस्टली तो आपको सब कुछ विकी ने बता दिया है। वन थिंग विच आई गॉट टू नो, और एटलीस्ट हमारे यूनिट में ये हो रहा है कि नाउ आई एम प्रेसिंग द क्रूज कंट्रोल, इट गिव्स अ स्मॉल ब्लिंक, एंड व्हेन आई लीव द एक्सीलेटर एट दैट टाइम इट गेट्स एक्टिवेटेड। तो मैंने एक्सीलेटर से पांव हटा दिया है, क्रूज कंट्रोल एक्टिवेटेड है। So this is how it is operating. सारे units में है या नहीं पता नहीं। Now there's a overtake mode also. तो इसमें basically जैसे अगर सामने कोई ट्रक है आपको उसको ओवरटेक करके वापस वो आ जाना चाहिए आपके जो भी स्पीड सेट है उस पर। तो नाउ आई ट्राई, लाइक आई एम एट अराउंड 55 किलोमीटर्स की स्पीड पे सेट है क्रूज कंट्रोल। आई ट्राई एंड एक्सेलरेट अ लिटिल बिट एंड टेक इट टू 65, एंड नाउ आई एम लीविंग इट अगेन। My foot is off the pedal and the car should slowly bring me to 55 now. So if you see, एकदम प्यार से वो 55 पे लेके जा रहा है। Cruise control is also activated. आप देख सकते हो light जल रहा है उसका। And आराम आराम से it is taking me down to 55 now. It's a good thing. Extra braking वाला effect नहीं आ रहा है। Gradual decrease of speed है। Another thing is के just as a, this thing के आप ओवरटेक कर रहे हो तो देयर इज एन इंडिकेशन कि आप जैसे ही एक्सीलेटर पे पाव दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं देता हूँ, तो आप अगर देखोगे तो क्रूज कंट्रोल का लाइट बंद हो गया, दैट मींस उसने आपका कंट्रोल आपके पेडल पे दे दिया है, एंड एज सून एज यू लीव द एक्सीलेटर लाइट ऑन हो जाता है। सो दैट मींस इट्स बैक ऑन क्रूज कंट्रोल एंड इट विल ट्राई एंड ब्रिंग यू बैक टू द स्पीड जहाँ पे आपने इसको सेट किया है। माय लेग्स आर टोटली फ्री एंड आई एम ड्राइविंग इट ओनली ऑन क्रूज। Very nice, as we said in the previous video also, के setup अच्छा है, it's not too bulky, and जो dial यहाँ पे दिया है, it's a very good idea they've come up with, and
लेट्स ट्राई द स्पीड ऑल्सो थिंग, तो देखते हैं कितना स्पीड अपन हम इसको बढ़ा सकते हैं. तो लेट्स स्लोली स्लोली लेते हैं. वेरी ग्रेजुअल इंक्रीज, मतलब इतना कुछ फास्ट नहीं ले रहा है. ओके नाउ इट इज टेकन, इट टुक अ स्मॉल टाइम, अ लिटिल टाइम टू रजिस्टर द स्पिन. इफ यू आस्क मी के इट शुड हैव व्हाट यू से अ क्लिक इफेक्ट इन इट, ताकि आपको मालूम पड़े कि आप कितना फास्ट जा रहे हो. अभी मैंने इसको 80 तक खींच लिया है गोल घुमा के. आई विल टेक इट स्लो नाउ. वी आर पर्पसली डूइंग इट एट नाइट एंड ऑन दिस हाईवे, ताकि हमको फ्री रोड्स मिले ये ट्रायल्स करने के लिए. ओवरऑल एक्सपीरियंस इज गुड. थोड़ा सा जो डिले रिस्पॉन्स इज देयर, प्रॉब्ली हमारे यूनिट टेस्ट यूनिट में है या सब यूनिट्स में है, वो हमको चेक करना पड़ेगा. बट अदरवाइज द होल फील इज गुड. द जनरल क्रूज कंट्रोल जब जो आपके काम का है, दैट इज परफेक्ट, दैट इज वर्किंग वेरी नाइसली. सो इट्स बेसिकली क्लिक इट एंड देन लीव द एक्सीलेटर एंड इट टर्न्स इट ऑन. एंड एज यू नो क्रूज कंट्रोल helps you a lot on long drives, so it's a very good option, a good cheaper option. उसके details आपको कल के videos में मिलेंगे. Okay, so हमने एक चीज notice की है cruise control में. तो basically होता ये है कि जब हम cruise control on करते हैं, होता ये है कि जब भी चढ़ाई होती है, मतलब basically uphill होता है, तो वो speed बहुत कम कर देता है. और वही अगर slope होगा तो speed और ज़्यादा बढ़ा देता है. Yes, और यही अगर आप दूसरा नेक्स्ट क्रूज पे देखोगे तो वो स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करता है. लाइक अगर आपने 50 पे सेट किया तो अपहिल पे वो एक्सेलरेशन बढ़ा देता है ताकि 50 पे रहे, और नीचे आते वक्त एक्सेलरेट ब्रेक लगाना शुरू कर देता है ताकि आप 50 पे रहे. तो इफ विल फाइंड आउट, ये सिर्फ हमारे यूनिट में है. जब तक ये वीडियो आउट होगा तब तक हम इसका अपडेट निकाल लेंगे कि ये सिर्फ हमारे यूनिट में है या उन्होंने ये क्रूज कंट्रोल को वैसा डिज़ाइन किया है. तो इट्स नथिंग व्हाट यू से ड्रास्टिक. अगर स्पीड कम हो रही है तो आप डायल को घुमा के स्पीड बढ़ा सकते हो, और ज़्यादा हो रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा के उसको कम भी कर सकते हो. सो ये चीज़ें थी. तो वी होप आपको ये पसंद आया होगा. सो कंपैरिजन का वीडियो आपको सैटरडे को मिल जाएगा, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है. तो ये बेसिक कंपैरिजन था जो हमने आपको बताया, जो स्पीड कंट्रोल के रिलेटेड था. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमने नोटिस की है. विल लेट यू नो टू हेल्प यू चूज के कौन सा वाला, बोथ आर गुड फ्रेंकली. तो जस्ट टू हेल्प यू चूज के कौन सा वाला क्रूज कंट्रोल आपके लिए बेटर होगा. राइट. सो वी होप आपको ये पसंद आया होगा. तो शेयर करो लोगों के साथ में जिनको क्रूज कंट्रोल चाहिए. और टिगो और ईवी का भी क्रूज कंट्रोल वीडियो जल्दी आने वाला है. यस, विल सी यू नेक्स्ट टाइम.